सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, विभागाध्यक्ष एवं सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम रस की उत्पत्ति, अर्थ, रस की अवधारणा और परिभाषा के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। रस काव्य का मूल आधार प्राण तत्व अथवा आत्मा है। रस का संबंध श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है, उसी को रस कहते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार रस शब्द रस धातु और अच प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है जो बहे अथवा जो आस्वादित किया जा सकता है। इसका उत्तर रसवादी आचार्यों ने अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार दिया है। रस शब्द अनेक संदर्भों में प्रयुक्त होता है तथा प्रत्येक संदर्भ में इसका अर्थ अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम पदार्थ की दृष्टि से रस का प्रयोग करते हैं तो वो षड रस के रूप में आता है। आयुर्वेद में शस्त्र आदि धातु के अर्थ में, भक्ति में ब्रह्मानंद के लिए तथा साहित्य के क्षेत्र में काव्य स्वाद या काव्य आनंद के लिए रस का प्रयोग होता है। काव्य पढ़ने, सुनने अथवा देखने से श्रोता, पाठक या दर्शक एक ऐसी भवभूति पर पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ केवल शुद्ध आनंदमयी चेतना का ही साम्राज्य रहता है। इस भाव भूमि को प्राप्त कर लेने की अवस्था को ही रस कहा जाता है। अतः रस मूलतः अलौकिक स्थिति है। यह केवल काव्य की आत्मा ही नहीं, बल्कि ये काव्य का जीवन भी है। इसकी अनुभूति से सहृदय पाठक का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। ये भाव जागृत करने के लिए उनके अनुभव का सशक्त माध्यम भी माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र रचना के अंतर्गत रस का सैद्धांतिक विश्लेषण करते हुए रस निष्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत किए और उनके अनुसार विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति। रस की अवधारणा को पूर्णता प्रदान करने में उनके चार अंगों, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्थायी भाव, स्थायी भाव रस का पहला एवं सर्वप्रमुख अंग है। भाव शब्द की उत्पत्ति भ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है संपन्न होना या विद्यमान होना। अतः जो भाव मन में सदा अभिज्ञान ज्ञात रूप में विद्यमान रहता है, उसे स्थायी या स्थिर भाव कहते हैं। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से होता है तो वह रस रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। सामान्यतः स्थायी भावों की संख्या अधिक हो सकती है, किंतु भरत मुनि ने स्थायी भाव 8 ही माने हैं। रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। वर्तमान समय में इनकी संख्या 9 कर दी गई है तथा निर्वेद नामक स्थायी भाव की परिकल्पना की गई है। आगे चलकर माधुर्य चित्रण के कारण वात्सल्य नामक स्थायी भाव की भी परिकल्पना की गई है। इस तरह रस के अंतर्गत 10 स्थायी भाव का मूल रूप में विश्लेषण किया जाता है। इसी आधार पर 10 रसों का उल्लेख किया जाता है। दूसरा इसका अंग है विभाव। रस का दूसरा अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। भावों का विभाव करने वाले अथवा उन्हें आस्वाद योग्य बनाने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव कारण हेतु निर्मिति आदि से सभी पर्यायवाची शब्द हैं। विभाव का मूल कार्य सामाजिक हृदय में विद्यमान भावों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। विभाव के 2 अंग हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, आलंबन का अर्थ है आधार या आश्रय, अर्थात जिसका अवलंब या आधार लेकर के स्थायी भावों की जागृति होती है, उन्हें आलंबन कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जो सोए हुए मनोभावों को जागृत करते हैं वह आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका आलंबन होंगे अथवा वीर रस के अंतर्गत युद्ध के समय में भाट एवं चारणों के गीत सुनकर शत्रु को देखकर योद्धा के मन में उत्साह भाव जागृत होगा।
इसी प्रकार आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कहलाती हैं, जिसके अंतर्गत देश, काल और वातावरण को भी सम्मिलित किया जाता है। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन का अर्थ है उद्दीप्त करना, भड़काना या बढ़ावा देना। जो जागृत भाव को उद्दीप्त करे वह उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस के अंतर्गत चांदनी रात, प्राकृतिक सुषमा, विहार, सरोवर आदि, तथा वीर रस के अंतर्गत शत्रु की सेना, रणभूमि, शत्रु की ललकार, युद्ध वाद्य आदि उद्दीपन विभाव होंगे। तीसरा रस का महत्वपूर्ण अंग है अनुभाव। आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है उसे अनुभाव कहते हैं। शास्त्र के अनुसार आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। भावों के पश्चात उत्पन्न होने के कारण इन्हें अनुभाव कहा जाता है। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका के कटाक्ष, वेशभूषा, अंग संचालन आदि, तथा वीर रस के अंतर्गत नाक का फैल जाना, भुएं टेढ़ी हो जाना, शरीर में कंपन आदि अनुभाव कहे गए हैं। अनुभवों की संख्या चार कही गई है, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी अनुभवों का यथास्थान प्रयोग करता चलता है। सात्विक वह अनुभव है जो स्थिति के अनुरूप स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी संख्या आठ मानी गई है, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, विवरण, अश्रु और प्रलय। परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न शारीरिक चेष्टाएं ही अनुभाव कहलाती हैं, जैसे क्रोध में कटु वचन कहना, पुलकित होना, आंखें झुकाना आदि, मन या हृदय की वृत्ति से उत्पन्न हर्ष विषाद आदि का जन्म मानसिक अनुभाव कहलाता है। बनावटी अलंकरण, भावन रूप वेश रचना आहार्य अनुभाव कहलाती है। संचारी भाव, संचारी भाव रस के अनिवार्य अंग हैं और इनकी संख्या 33 मानी गई है। निर्वेद, स्तब्ध, गिलानी, शंका या भ्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्वप्न, उन्माद, बीड़ा, सफलता, हर्ष, आवेद, जड़ता, गर्व, विषाद, निद्रा, स्वप्न, उन्माद, त्रास, धृति, समर्थ, उग्रता, व्याधि, मरण, वितर्क आदि। वास्तव में काव्य का आस्वाद योग्य रस ही बनाता है। इसके बिना काव्य निराधार एवं प्राणहीन है। अतः रस की जानकारी रखते हुए रसयुक्त काव्य पढ़ना साहित्य शिक्षा का मूल धर्म है। अतः रसयुक्त काव्य की चर्चा करते हुए उदाहरण सहित रस को जानेंगे और परखेंगे। आचार्य भरत मुनि का मानना है कि अनेक द्रव्यों से मिलाकर तैयार किया गया प्रमाणक द्रव्य ना तो खट्टा होता है और ना ही मीठा और ना ही तीखा, बल्कि इन सब से अलग होता है। ठीक उसी प्रकार विभिन्न भावों से युक्त रस का स्वाद मिला जुला और आनंददायक होता है। अभिनव गुप्त रस को अलौकिक आनंदमयी चेतना मानते हैं, जबकि आचार्य विश्वनाथ का मानना है कि रस अखंड और स्वयं प्रकाशित होने वाला भाव है, जिसका आनंद ब्रह्मानंद के समान है। सह धन्यवाद डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।